बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए DHA फेज 6 लाहौर में एक कनाल का घर लेकर आया हूं, जो कि इस वक्त मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह बहुत ही लग्जीरियस ये घर तैयार किया हुआ है। स्पेनिश डिज़ाइन में इसको तैयार किया हुआ है, जिसमें 5 बेडरूम्स हैं, विदाउट बेसमेंट ये हाउस है। पूरे घर में इलेक्ट्रिक फेंस सिस्टम और सिक्योरिटी कैमराज भी इंस्टॉल्ड हैं। कम्प्लीटली सिक्योर्ड ये हाउस है। घर का अंदर का रिव्यू लेने से पहले मैं आपको घर का जो स्ट्रीट ओवरव्यू है वो दिखा देता हूँ। नेक्स्ट टू कॉर्नर बना हुआ ये घर है। वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के दौरान ही मैं पूरे घर की डिटेल्स और फिर प्राइस शेयर करूँगा। अब बढ़ते हैं घर के अंदर के हिस्से की जानिब। घर का जो मेन गेट है उसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं। सिक्योरिटी कैमरास और इलेक्ट्रिक फेंस सिस्टम कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड है पूरे घर में। और ये घर के बाहर का बहुत ही खूबसूरत सा लॉन एरिया है। ये हमारे घर का रैंप है, जहाँ पे स्पेनिश टाइल्स का यूज़ किया गया। और इसके जो मेन फुटस्टेप्स हैं, यहाँ पे ग्रेनाइट का यूज़ किया गया। पोर्च एरिया में भी कम्प्लीटली उन्हीं टाइल्स का यूज़ किया गया जो कि बाहर रैंप पे यूज़ किया गया। एंटर होकर राइट साइड पे यहाँ पे पोर्च वॉल देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये इसको डिज़ाइन किया गया। और इसका पोर्च एरिया इतना है कि 2 से 3 गाड़ियाँ सेडान इजीली पार्क की जा सकती हैं। ये सीलिंग डिज़ाइन है, सामने लोहे कुरानी लिखी हुई है। एंटर होकर लेफ्ट साइड पर यहाँ पर घर के अंदर का इनर लॉन एरिया आ जाता है। सामने सिटिंग प्लेस भी डिज़ाइन की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेन डोर है घर का, 8 फुट इसकी टोटल हाइट है और सॉलिड ऐश वुड का यूज़ करके इसको डिज़ाइन किया गया है। अब मैं आपको घर के अंदर के हिस्से की जानिब लेके चलता हूँ। जैसे ही आप घर पे एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको वॉल डेकोरेशन मिल जाती है। और ये है हमारे घर का काफ़ी बड़ा रिसेप्शन एरिया। एंटर होकर जैसे ही आप लेफ्ट होंगे, लेफ्ट होकर थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे इस घर का ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया गया, जिसमें कंप्लीट सुपर ग्लोसी वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया गया। डोर डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉलिड डैशबोर्ड और ग्लास का यूज़ करके इनको डिज़ाइन किया गया। इम्पोर्टेड वॉलपेपर्स इंस्टॉल्ड हैं पूरे इस ड्राइंग रूम में। सीलिंग वर्क देख सकते हैं, सेंटर में शैंडिलियर और सामने फायर किट इंस्टॉल्ड है। और यहाँ सामने आपको ग्री कंपनी की जानिब से इन्वर्टर एसी मिल जाता है। यहाँ पे कर्टन्स भी लगाए गए हैं, जिसकी बैक साइड पे स्लाइडिंग विंडो इंस्टॉल्ड है, जहाँ से आप अपने लॉन का व्यू देख सकते हैं। ड्राइंग रूम से जैसे ही आप लेफ्ट होंगे थोड़ा सा, यहाँ सामने इस घर का पाउडर रूम डिज़ाइन किया गया, जिसमें राइट साइड पर आपको मिल जाती है खूबसूरत सी वैनिटी। इस वैनिटी को भी बनाने के लिए बैकलाइट मटेरियल का यूज़ किया गया। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मिरर आपको मिल जाता है। सामने वॉल फिटेड केएल कंपनी की जानिब से आपको कमोड मिल जाता है। ऊपर आपको ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए विंडोज़, और इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये जितना भी इसका रिसेप्शन एरिया है, कम्प्लीटली वॉलपेपर से इसको कवर किया गया है, आप देख सकते हैं ये सारा। मेन डोर से थोड़ा सा आगे राइट साइड पे आपके आ जाता है इस घर का डाइनिंग रूम।
सामने आपको ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ मिल जाती हैं, कर्टन्स इंस्टॉल्ड हैं। अगेन यहाँ पे इंपोर्टेड वॉलपेपर्स की आपको फिक्सिंग मिल जाती है, सीलिंग डिज़ाइन, और सामने ग्री कंपनी की जानिब से इन्वर्टर एसी। और डाइनिंग रूम के बिल्कुल आगे से आपको टीवी लाउंज की एक्सेस मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लग्जीरियस माशाल्लाह घर तैयार किया हुआ है। यहाँ पे डबल साइडेड आपको मिल जाती हैं विंडोज़ ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए। ये हमारे टीवी लाउंज की मीडिया वॉल है। सामने सामने आप देख सकते हैं कि पूरे घर का आप कैमरा व्यू देख सकते हैं। उधर सामने भी कैमरा इंस्टॉल्ड है। इन्वर्टर एसी यहाँ मिल जाता है आपको, और टीवी लाउंज के यहाँ सामने आपको इस घर का बहुत ही खूबसूरत सा किचन मिल जाता है। एक बार फिर बता दूं कि पूरे घर में सिर्फ स्पेनिश टाइल्स का यूज़ किया गया है, इसके अलावा किसी किस्म की टाइल नहीं यूज़ की गई पूरे घर में। यहाँ पे भी आपको एसी की इंस्टॉलेशन मिल जाती है, सामने सिक्योरिटी कैमरा, वार्डरोब देख सकते हैं आप। यहाँ सामने हायर कंपनी की जानिब से बर्नर इंस्टॉल्ड है, और उसके ऊपर कैनन कंपनी की जानिब से किचन हुड, और यहाँ सामने आपको वॉश बेसिन मिल जाता है। जबकि जैसे ही आप किचन में एक्सेस लेते हैं, आपको लेफ्ट साइड पे माइक्रोवेव अवन और उसके आगे हायर कंपनी की तरफ से टू डोर रेफ्रिजरेटर भी मिल जाता है। और उसके आगे थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड पे इस घर का जो सर्विस किचन है उसको डिज़ाइन किया गया, उसको भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे वॉश बेसिन मिल जाता है, उसके ऊपर विंडो, और सामने यहाँ पे अगेन हायर कंपनी की जानिब से आपको बर्नर मिल जाता है, और हायर कंपनी की ही तरफ से किचन हुड इंस्टॉल किया हुआ मिल जाता है। और इस डोर से आप अपने गैलरी एरिया से किचन की एक्सेस ले सकते हैं। और टीवी लाउंज के यहाँ साइड पे आ जाता है हमारे ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम, जिसमें अगेन आपको जो फ्लोरिंग है वो मिलती है वुडन की, सुपर ग्लोसी वुडन की आपको फ्लोरिंग मिल जाती है। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी सीलिंग डिज़ाइन। सामने अगेन स्लाइडिंग विंडो कर्टन्स के साथ, और ये है हमारे इस बेडरूम की बेडरूम वॉल। अगेन एसी इंस्टॉल्ड मिल जाता है आपको यहाँ सामने, और ये है मीडिया वॉल इस बेडरूम की। सीलिंग डिज़ाइन दिखा देता हूँ मैं आपको, और यहाँ इस साइड पे इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम डिज़ाइन किया गया, जिसमें राइट साइड पे काफ़ी बड़ी आपको खूबसूरत सी वैनिटी मिल जाती है। पूरे घर में केल और ग्रोही कंपनी की वॉशरूम एसेसरीज़ की फिक्सिंग की गई है। अगेन इस वैनिटी को बनाने के लिए भी बैकलाइट का ही यूज़ किया गया है। ऊपर इलेक्ट्रिक मिरर मिल जाता है आपको वैनिटी के, और उसके आगे थोड़ा सा आप जाएं जैकूज़ी इंस्टॉल्ड मिल जाती है। यहाँ राइट साइड पे ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए विंडो, और उसके बिल्कुल सामने क्यूबिकल शावर एरिया, और यहाँ ऊपर एग्जास्ट फैन इंस्टॉल्ड है इस वॉशरूम का। क्यूबिकल शावर एरिया के बिल्कुल आगे आपको वॉल फिटेड कमोड मिल जाता है, और उसके आगे काफ़ी बड़ी आपको इस वॉशरूम की वार्डरोब मिल जाती है। इसका आप सीलिंग का डिज़ाइन देख सकते हैं, ऊपर इलेक्ट्रिक मिरर इंस्टॉल्ड है।
मास्टर बेडरूम से बाहर आते ही राइट साइड पे आपको बेडरूम नंबर 2 मिल जाता है। अगेन यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग की आपको मिल जाती है फ्लोरिंग। सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। इस बेडरूम में एंटर होते ही सामने बिल्कुल इसकी बेडरूम वॉल डिज़ाइन की गई है, जिसके दोनों साइड पे आपको विंडोज़ मिल जाती हैं ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए, जहाँ पे कर्टन्स इंस्टॉल्ड हैं। और यहाँ ये सामने है इस बेडरूम की मीडिया वॉल। और यहाँ पे इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम डोर डिज़ाइन में आपको दिखा देता हूँ। इसका सीलिंग वर्क देख सकते हैं आप, जिसमें इस वॉशरूम में एंटर होकर राइट साइड पे आपको बहुत ही खूबसूरत वाइट और ब्लैक कलर के कम्बिनेशन से आपको मिल जाती है वैनिटी। उसके ऊपर अगेन इलेक्ट्रिक मिरर मिल जाता है और उसके आगे थोड़ा सा क्यूबिकल शावर एरिया। क्यूबिकल शावर रूम के सामने वॉल फिटेड कमोड अगेन केल कंपनी की जानिब से। और यहाँ पे आपको मिल जाती है ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए विंडोज़, जबकि ऊपर एग्जास्ट फैन भी इंस्टॉल्ड है। और यहाँ राइट साइड पे इस अटैच बाथरूम की वार्डरोब। तो व्यूवर्स, इसी के साथ हमारे ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ घर का जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है उसकी जानिब। यहाँ पे स्टेयरकेस डिज़ाइन की गई है। इस स्टेयरकेस पे भी ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। कंप्लीटली वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है इस पूरे एरिया में। यहाँ स्टेयर केस के बिल्कुल सामने ऊपर आपको मिल जाता है बेडरूम नंबर 1। वुडन यहाँ पे आपको फ्लोरिंग मिल जाती है सुपर ग्लोसी, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। यहाँ सामने स्लाइडिंग विंडो दी गई है, जिसके बाहर टेरेस भी दिया गया छोटा सा। यहाँ सामने है हमारे इस बेडरूम की बेडरूम वॉल। सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं आप। और अगेन यहाँ पे ग्री कंपनी की जानिब से आपको मिल जाता है इन्वर्टर एसी। और ये है इस बेडरूम की मीडिया वॉल, जिसके लेफ्ट साइड पे आपको अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्पेशियस स्पेस दी गई है इस वॉशरूम को बनाने के लिए। इसका सीलिंग डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके साथ ही इसका जो डोर डिज़ाइन है वुडन टेक्सचर में। यहाँ पे टाइल्स को इंस्टॉल किया गया है पूरे वॉशरूम में। जैसे ही आप इस बाथरूम में एंटर होते हैं यहाँ पे राइट साइड पे आपको इस वॉशरूम की वार्डरोब मिल जाती है, जबकि थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट साइड पे आपको बहुत ही बड़ी और खूबसूरत सी वैनिटी मिल जाती है। अगेन इस वैनिटी को बनाने के लिए भी बैकलाइट मटेरियल का यूज़ किया गया है। उसके ऊपर काफ़ी ह्यूज आपको मिरर मिल जाता है। और यहाँ सामने क्यूबिकल शावर रूम और उसके सामने यहाँ पे वॉल फिटेड कमोड। और यहाँ वॉशरूम के बाहर भी एक छोटा सा टेरेस डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ आपको अगेन मिल जाती है जकूजी। यहाँ से मैं आपको एरियल व्यू दिखा देता हूँ सारा वॉशरूम का। ऊपर एग्जास्ट फैन, वॉल फिटेड कमोड, उसके सामने यहाँ पे क्यूबिकल शावर रूम, यहाँ पे जकूजी और उसके सामने काफ़ी खूबसूरत और बड़ी सी वैनिटी, उसके ऊपर मिरर
और इस वॉशरूम में एंटर होते ही राइट साइड पे बहुत ही खूबसूरत सी वार्डरोब, आप जैसे ही स्टेयर केस से ऊपर आते हैं यहाँ पे राइट साइड पे भी यहाँ स्पेस दी गई है जो कि आप अपने लॉन्ड्री पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस जगह को। और ये है फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज, सामने आपको मिल जाती है इस टीवी लाउंज की मीडिया वॉल खूबसूरत सी कंप्लीट, यहाँ पे वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे आपको मिल जाता है ओपन मॉडर्न किचन जिसमें हायर कंपनी की जानिब से ही आपको यहाँ पे बर्नर मिल जाता है और उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक किचन हुड मिल जाता है जो कि वो भी हायर कंपनी की जानिब से ही है। यहाँ राइट साइड पे वॉश बेसन और उसके ऊपर स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो तो नहीं, ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पे। यहाँ सामने अगेन ग्री कंपनी की जानिब से इन्वर्टर एसी, पूरे घर में टोटल 10 ग्री इन्वर्टर एसी इंस्टॉल किए गए हैं। और ये है हमारा जो ये घर है इसकी ओपन स्पेस जो है उसकी एक्सेस का रास्ता। सामने फायर किट भी मिल जाती है और यहाँ पे जो इसका आउटर लेआउट है यहाँ पे कंप्लीट रॉक वॉल का यूज़ किया गया है। टीवी लाउंज से राइट साइड होके बेडरूम नंबर 2 मिल जाता है इस फर्स्ट फ्लोर का, जहाँ पे अगेन आप फ्लोरिंग देखेंगे वुडन की, उसके सामने ही बिल्कुल बेडरूम वॉल डिज़ाइन है, सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और इस बेडरूम नंबर 2 से भी जो सामने मैंने अभी आपको दिखाया ओपन एरिया उसकी एक्सेस दी गई है, उसके आगे यहाँ कर्टन्स इंस्टॉल्ड हैं। और ये है इस बेडरूम की मीडिया वॉल और अगेन यहाँ पे इन्वर्टर एसी। और यहाँ से राइट साइड से इस बाथरूम की एक्सेस दी गई है, फ्लोरिंग आप देख सकते हैं। एंटर होगा राइट साइड पे बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पे भी वार्डरोब डिज़ाइन की गई है, सेम डोर डिज़ाइन पूरे घर में जिस तरह मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। सामने आपको मिल जाती है वैनिटी केएल कंपनी की जानिब से और उसके ऊपर काफ़ी लेंदी आपको इलेक्ट्रिक मिरर मिल जाता है, और जबकि यहाँ पे क्यूबिकल शावर रूम डिज़ाइन किया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन और यहाँ पे वॉल फिटेड कमोड। बेडरूम नंबर 2 के बिल्कुल सामने बेडरूम नंबर 3 डिज़ाइन है। पूरे घर में जितने भी बेडरूम्स हैं इनकी कंप्लीट फ्लोरिंग जो है वो वुडन में की गई है, सारी जो फ्लोरिंग्स हैं वो सुपर ग्लोसी है। इस घर का जो बेडरूम नंबर 5 है उसमें आप जैसे ही सामने एंटर होते हैं आपको मिल जाती है बेडरूम वॉल, राइट और लेफ्ट पे आपको विंडोज़ मिल जाती हैं ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए, बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन और यहाँ पे इन्वर्टर एसी इंस्टॉल्ड मिलता है आपको। और ये है इस बेडरूम की मीडिया वॉल। तकरीबन पूरे घर में इम्पोर्टेड वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है, कोई भी घर की ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सीलिंग वर्क ना किया गया हो। और ये है अटैच्ड वॉशरूम जिसमें जैसे ही आप एंटर होते हैं या राइट साइड पे आपको वॉल फिटेड कमोड मिल जाता है, उसके सामने खूबसूरत सी वैनिटी और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मिरर, जबकि यहाँ राइट साइड पे क्यूबिकल शावर रूम और ऊपर आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन, इसका सीलिंग डिज़ाइन। और इस वॉशरूम में लेफ्ट होते ही आपको मिल जाती है इस
वॉशरूम की वार्डरोब, तो व्यूवर्स इसी के साथ हमारे घर का जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का जो प्लान है उसका कंप्लीट ओवरव्यू होता है। ये यहाँ पे भी सीलिंग डिजाइन किया गया है। यहाँ सामने वॉल पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह पत्थर का यूज़ करके लोहे कुरानी लिखी गई है यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर से नीचे आते हुए मैं आपको एरियल व्यू दिखा देता हूँ। सामने मेन एंट्रेंस है, थोड़ा सा आगे आगे राइट जैसे ही होते हैं डाइनिंग रूम आपको मिल जाता है, जबकि एंटर होकर लेफ्ट साइड पर और एक और लेफ्ट लेके आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है, और उसके आगे पाउडर रूम, जबकि यहाँ पे घर का जो ग्राउंड फ्लोर है उसके फर्दर प्लान की एक्सेस है यहाँ से। घर का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब मैं इस घर का बेसमेंट आपको दिखा देता हूँ, जो कि बैक साइड पे बेसमेंट में आपको सर्वेंट क्वार्टर्स मिल जाते हैं। इसकी गैलरी वॉल, इसके गैलरी एरिया में भी कंप्लीट स्पेनिश टाइल्स का यूज किया गया है। यहां से सर्वेंट क्वार्टर की एक्सेस है। तीन सर्वेंट क्वार्टर मिल जाते हैं आपको इसकी बेसमेंट में, एक राइट साइड पे, एक सामने और एक ये। यहाँ पे अभी एक मिनी किचन बनना बाकी है जो कि अगले 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम दे दिया गया है। इन तीनों बेडरूम्स के लिए यहाँ पे वॉशरूम दिया गया। पूरे घर में इलेक्ट्रिक फैन सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो व्यूवर्स इसी के साथ हमारे इस घर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। बहुत ही खूबसूरत ये माशाल्लाह घर है, जैसा कि आप देख चुके हैं। इस घर की जो डिमांड है वो 850 है, यानी 8,50,00,000 रुपए इस घर की डिमांडिंग प्राइस है। प्राइस इसकी नेगोशिएबल है, और मज़ीद इसके अलावा किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।